like a Hellcat. एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा एपिसोड 8 खत्म हुआ था। तो हमारी सुबिन जुनवू से बिना कुछ बोले वहाँ से आने लगती है, तो हमारा जुनवू उसे रोकता है। तो सुबिन कहती है कि मैं तो बस वॉशरूम जा रही हूँ। एंड बाहर आते ही हमारी सुबिन सबसे पहले अपना फोन चेक करती है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि मावी योंग ने उसे मैसेज किया है। एंड उस मैसेज में ये लिखा होता है कि जुनवू ने मावी योंग से कहा था कि मावी योंग, आई थिंक तेरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन और कोई नहीं बल्कि सुबिन है, सो तू प्लीज टेंशन मत ले क्योंकि बहुत जल्द सुबिन मेरी होने वाली है, मतलब कि मैं सुबिन को तुझसे छीन लूंगा। एंड यही सुनकर हमारी सुबिन को बहुत बड़ा झटका लगा था, मतलब वो तो सोच रही थी कि क्या सच में जुनवू ऐसा कर सकता है। तभी वहाँ पे जुनवू आता है एंड सुबिन से कहता है कि तू ठीक तो है ना। तो सुबिन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मेरी मॉम ने मुझे अभी घर बुलाया है। तो जुनवू कहता है कि रियली तेरी मॉम, सो चल हम अभी घर चलते हैं वरना मरना थोड़ी है हमें तेरी मॉम के हाथों। तो सुबिन कहती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी, तो पहले मूवी खत्म कर ले फिर आ जाना। तो जुनवू कहता है कि मुझे अकेले थोड़ी देखने आया मूवी, क्योंकि मैं तो मूवी तेरे साथ देखने आया था ना। आफ्टर दैट दोनों साथ में घर जाते हैं, बट वो साथ में नहीं होते हैं क्योंकि उनकी बीच की डिस्टेंस कुछ ज्यादा रही थी। जुनवू कहता है कि लड़की आज कर क्या रही है। एंड एट लास्ट जुनवू एक जगह पे खड़ा हो जाता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुबिन कहती है कि मुझे ये बिलीव तो नहीं हो रहा है कि मावी योंग ने मुझे जो कुछ भी बताया वो तूने उससे कहा होगा, बट अगर तूने उसे रियल में ये सब कहा होगा तभी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुझे ना पसंद कर पाऊंगी, मतलब तुझे पसंद करना बंद कर पाऊंगी। आफ्टर दैट हमारी सुबिन बस गिरने ही वाली थी कि तभी जुनवू उसे बचा लेता है एंड देन कहता है कि तुझे तो बुखार है। आफ्टर दैट जुनवू सुबिन की फीवर चेक करता है एंड देन कहता है कि क्या तेरे पास मेडिसिन है। तो सुबिन कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ठीक हूँ। आफ्टर दैट जुनवू भागते हुए मेडिकल शॉप जाता है एंड सुबिन के लिए दवाइयाँ लाता है। सुबिन कहती है कि तू शॉप के बाहर खड़े होकर उसका वेट क्यों कर रही है, जा सुबिन जा। आफ्टर दैट जुनवू सुबिन को उसके घर तक ड्रॉप करता है, उसे मेडिसिन देता है एंड देन कहता है कि कहीं तेरी मॉम को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। तो सुबिन कहती है कि नहीं, बस उन्होंने मुझे जल्दी घर आने के लिए बोला। वहीं दूर से ये सब मावी योंग देख रहा होता है। तभी सुबिन की मॉम बाहर आती है एंड हमारा जुनवू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन एंड मावी योंग को साथ में बैठे देखते हैं। तो सुबिन कहती है कि तूने जो कुछ भी मुझे मैसेज किया क्या वो सच है, जिसे सुनकर मावी योंग कहता है कि ये तूने क्या कर दिया मावी योंग। सुबिन कहती है कि मावी योंग ये बात तूने तो मुझे बता दी, बट प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। तो मावी योंग कहता है कि क्यों, क्या ये सब जानकर जुनवू को बुरा लगेगा। तो सुबिन कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता, बट इससे मेरे प्राइड को हर्ट जरूर होगा। आफ्टर दैट सुबिन घर जाकर काफी रोती है, वही हमारा जुनवू भी बस सुबिन को याद कर रहा होता है। आफ्टर दैट अपने पॉकेट से एक लेटर निकालता है एंड देन कहता है कि ये तो मैंने सुबिन को दिया ही नहीं। वही दूसरी तरफ हम मावी योंग को देखते हैं जो कि अकेले बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड देन कहता है कि मैं सुबिन को खोना नहीं चाहता, मतलब इसे सुबिन मिली ही कब कि उसे खोना नहीं चाहता। जुनवू जो अपने घर में होता है एंड सुबिन के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे ओजे आता है एंड जिसके बाद हमारा जुनवू उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो ओजे मजे लेते हुए कहता है कि तुम लोग बस ऐसे ही घर आ गए। तो जुनवू कहता है कि हम और क्या करते अगर उसकी मॉम ने ही बुला लिया, तो मार थोड़ी खानी है हमें उसकी मॉम से। ओजे कहता है कि तुम दोनों ने एटलीस्ट अपनी मूवी तो खत्म कर ली थी ना। तो जुनवू कहता है कि यार प्लीज मुझसे वहाँ की बात मत कर, एक तो वैसे भी मैं वही बात सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ओजे कहता है कि तेरा इतना तैयार होना एंड अपने बालों को पीछे करना पूरा वेस्ट हो गया, बाहुबली बनकर गया था भल्लाल देव बनकर वापस आ गया, मतलब मेरे बेचारी देव सेना को भी नहीं लाया, वहीं पे छोड़ आया। जुनवू कहता है कि ओजे आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा किसी को पसंद नहीं किया है। तो ओजे कहता है कि क्या ये तेरा फर्स्ट लव है। तो जुनवू कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन की मॉम को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस वर्क से कहीं जा रही होती है एंड तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है सुबिन के डैड से एंड उनकी सौतन से, मतलब सुबिन के डैड के दूसरी वाइफ से, या फिर आप गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो क्योंकि अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुबिन की मॉम ने सुबिन से झूठ बोला कि उसके डैड अपने काम के कारण बाहर रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सुबिन के डैड ने उसके लिए दूसरी मॉम भी ढूंढ डाली। सुबिन की मॉम जब सुबिन के डैड से बात करके बस जा ही रही होती है तभी अचानक से गिर जाती है एंड जिसके बाद उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। सेम नाइट हम जुनवू को देखते हैं जो कि सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड उसे मैसेज करके कहता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है कितना परेशान हूं मैं इधर। बट हमारे सुबिन अगेन जुनवू के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती एंड उसे इग्नोर करके रख देती है। जुनवू अपने डैडी से बात कर रहा होता है एंड देन कहता है कि यार मैंने सुबिन के साथ ऐसा क्या गलत कर दिया, मतलब हम थिएटर में मिले, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, कहीं पॉपकॉर्न तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं था।
या फिर कोख में कोई प्रॉब्लम रही हो। एंड देन कहता है कि आई थिंक जुन वो तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, एक लड़की नहीं खुश कर पाया तूने। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉम एंड डॉटर वाला प्यार भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबिन अपने स्कूल पहुंचती है तो उसकी सारी फ्रेंड्स उससे पूछने लगती है कि सुबिन तू हमें भी तो बता कि तेरी फर्स्ट डेट कैसी थी। बट हमारी सुबिन उन्हें अपनी स्टोरी बताने के बाद उन्हें झटका दे देती है एंड उसकी फ्रेंड्स वॉज लाइक रियली, मतलब तुम दोनों ने साथ में एक फिल्म तक नहीं कम्प्लीट की, कहीं तेरी मॉम को पता तो नहीं चल गया तभी तो इतनी उदास दिख रही है आज। तो सुबिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरी मॉम को पता चला होता तो आई थिंक मैं आज तुम लोगों को स्कूल में नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में दिखती। हमारी दाहिन आज भी ओजे से थोड़ा गुस्सा होती है तो ओजे उसे मनाने की कोशिश करता है एंड एट लास्ट हमारी दाहिन मान ही जाती है एंड देन कहती है कि यार मैं तुझसे गुस्सा क्यों नहीं रह पाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम रोमी को देखते हैं जो कि मावी योंग से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे भी उसकी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करने के लिए, बट मावी योंग उसे मना करके वहां से चला जाता है। तभी वहां पे रोमी की एक फ्रेंड आती है एंड रोमी से बताती है कि मैंने कल जुनबू एंड सुबिन को साथ में मूवी थिएटर में देखा। तो रोमी वॉज लाइक रियली। वहीं दूसरी तरफ हमारा जुनबू अभी तक सो रहा होता है एंड अपने स्कूल नहीं गया होता है एंड आफ्टर दैट जैसे ही अपना फोन चेक करता है तो बिल्कुल डर जाता है एंड डायरेक्टली उठकर बैठ जाता है एंड देन कहता है कि जुनबू आज तो तू गया। नेक्स्ट सीन में हम मावियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि मिस्टर ओ से मिलने आई होती है, बट इस बार तो हमारे मिस्टर ओ मावियोंग की मॉम की बोलती बंद ही कर देते हैं एंड एट लास्ट मावियोंग की मॉम को वहां से अपना मुंह उठाकर जाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन एंड रोमी को साथ में देखते हैं तो रोमी कहती है कि सुबिन मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मैं जुनबू को पसंद करती हूं, फिर तो उसके साथ मूवी देखने क्यों गई। तो सुबिन कहती है कि मूवी देखने के लिए पहले जुनबू ने मुझसे पूछा था ना कि मैंने जुनबू से, एंड वैसे भी मैं उसके साथ मूवी क्यों नहीं देख सकती। तो सुबिन कहती है कि देख रोमी मैं ये कहना तो नहीं चाहती हूँ, बट मैं तुझे कह रही हूँ कि जुनबू सिर्फ तुझे अपना फ्रेंड मानता है और कुछ भी नहीं। तो फाइनली यहाँ पे सुबिन रोमी से कह देती है कि मैं जुनबू को पसंद करती हूँ एंड क्योंकि तू भी उसे पसंद करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जुनबू को पसंद नहीं कर सकती। सुबिन कहती है कि मैं ये बात तुझे पहले ही उस दिन कैफे में बता देती, बट उस दिन तू काफी उदास लग रही थी, सो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझे ये बात पहले नहीं बताई। जिसके बाद सुबिन वहाँ से जाने लगती है, बट जैसे ही रोमी पीछे से जुनबू को आते हुए देखती है तो सुबिन को रोक लेती है एंड कहती है कि तू पहले जुनबू को लाइक करती थी बट अब तो नहीं करती है ना। एंड जुनबू भी ये बात दूर से खड़ा होकर सुन रहा होता है, मतलब वेट कर रहा होता है कि सुबिन क्या कहने वाली है। सुबिन अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है तो रोमी कहती है कि तूने मुझे साफ साफ बता दिया है कि अब तू जुनबू को पसंद नहीं करती है। वहीं दूर से यह सब जुनबू सुन रहा होता है, जिसे सुनकर सुबिन कहती है कि ऐसा मैंने कब कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे पता नहीं है। बट अब हमारी बिचारी सुबिन को क्या पता कि रोमी जानबूझ कर ये सब जुनबू को सुना रही है। आफ्टर दैट रोमी जुनबू से बात करने की कोशिश करती है बट जुनबू उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है एंड वहीं दूर से छुप कर ये सब पिलसांग का फ्रेंड सुन रहा होता है। मतलब कमाल है, कोई इसकी बात सुन रहा है तो कोई उसकी बात सुन रहा है। पिलसांग का फ्रेंड कहता है कि यार मुझे तो मेरे पिलसांग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को क्लास में देखते हैं, बट आज क्लास की सिचुएशन काफी अजीब थी क्योंकि ना तो सुबिन एंड जुनबू एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड ना ही सोया एंड कीते, क्योंकि हमारी सोया भी कीते से थोड़ा नाराज थी। पिलसांग जब क्लास में सो रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसे आता है कि पिलसांग आई थिंक हमारी रोमी सच में जुनबू को लाइक करती है, जिसे सुनकर तो हमारा पिलसांग एक ही बार में खड़ा हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद हम कीते एंड सोया को साथ में देखते हैं तो कीते कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज है, आई एम रियली सॉरी। तो सोया कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक तुझे मावी योंग के साथ हैंग आउट करना बंद करना चाहिए क्योंकि अब तो मुझे सच में लगता है कि तू उसका नौकर ही है, जब देखो तो बस उसके पीछे घूमता रहता है, मुझ पे तो कुछ ध्यान ही नहीं देता। कीते कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं ये सब काम खुद करना चाहता हूँ। तो सोया कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तू ये सब काम इसीलिए कर रहा है ताकि तू एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, बट आई हेट दिस सो प्लीज ये सब काम करना बंद कर दे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड ये सारे काम करे। तो कीते ये सब काम करने से मना कर देता है तो यहाँ पे सोया उसे साफ साफ कहती है कि तू मुझे एक बात बता दे कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है या फिर मावी योंग का नौकर, इट्स योर चॉइस। हाँ बट मुझे बता देना कि तूने कौन सा ऑप्शन चुना, ओके। नेक्स्ट सीन में हम सभी को उनके ड्राइंग क्लास में देखते हैं जहाँ पे टीचर्स उनसे कहती है कि तुम्हें अपने अपने पार्टनर्स की ड्राइंग बनानी है। सो हमारा कीर्ति बनाता है सोया की ड्राइंग, हमारी दाहिन बनाती है ओजे की ड्राइंग, हमारा पिलसांग बनाता है रोमी की ड्राइंग एंड हमारा जुनबू बनाता है हमारे सुबिन की ड्राइंग। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन एंड जुनबू की मॉम को साथ में देखते हैं क्योंकि अब सुबिन के मॉम का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था तो उन्हें किसी की जरूरत थी जो कि उनके घर के कामों में उनकी हेल्प कर सके एंड हमारे जुनबू की मॉम भी बस एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही रही होती है। सो यहाँ पे इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। हमारी सुबिन की मॉम को सामने से कार हटाने में किसी की हेल्प चाहिए थी तभी वहाँ पे जुनबू की मॉम आती है एंड देन क्या हेल्प करती है, मतलब बिल्कुल सुपर वुमन बन जाती है एंड उन्हें देख कर तो हमारी सुबिन की मॉम भी बिल्कुल शॉक्ड थी, मतलब आंटी ही है ये या फिर वंडर वुमन है ये। स्कूल ओवर होने के बाद जुनबू सुबिन से कहता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो सुबिन कहती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो जुनबू कहता है कि जल्दी में तो मैं भी हूँ बट फिर भी मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद सुबिन की दोनों फ्रेंड्स उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मतलब फ्रेंड्स हो तो ऐसी वरना हो ही ना। जुनबू कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता
कि मैंने क्या गलत कर दिया है तेरे साथ, बट तू जैसा मुझसे बिहेव कर रही है उसे देखकर मुझे ये तो लग रहा है कि कुछ तो मैंने गलत किया है तेरे साथ, सो तू प्लीज मुझे बता दे कि मैंने क्या गलत किया है। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, प्लीज बता दे मुझे, वरना मुझे नींद नहीं आने वाली रात भर। देन कहता है कि अच्छा तो तू मुझसे इसीलिए नाराज है ना क्योंकि मैंने तेरी मॉम से कॉन्फिडेंटली बात नहीं किया, सो कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं तेरी मॉम से मिलूंगा ना तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली से बात करूंगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट से बात करूंगा, फिर चाहे वो मुझे चप्पल ही मार के क्यों ना भगा दे बट मैं तेरे लिए उनसे जरूर बात करूंगा। तो सुबिन कहती है कि आई स्वेयर बट मैं तुझसे इस बात के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तो जुनवू कहता है कि फिर क्या हुआ, बता दे माते मुझे, अब तो बता दे। तो सुबिन कहती है कि मुझे तेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हुआ इसलिए मैं वहां से वापस आ गई। तो जुनवू कहता है कि अचानक से, वो भी मूवी के बीच में। तो सुबिन कहती है कि हाँ बिल्कुल अचानक से, वो भी मूवी के बीच में, एंड आफ्टर दैट ये दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जुनवू अपने मन में कहता है कि तुझे ऐसा क्यों फील हुआ वो भी अचानक से। वहीं दूसरी तरफ सुबिन अपने मन में कहती है कि क्या सच में तू मुझे यूज कर रहा है मावियांग को हर्ट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट जुनवू मुस्कुराते हुए कहता है कि आई थिंक फिर तो ये गलती मूवी की है कि तुझे उसके बीच में अनकंफर्टेबल फील हुआ, कोई बात नहीं होता रहता है, बट फिर भी आज के बाद जब भी तुझे याद आए कि मैंने तेरे साथ क्या गलत किया है तो प्लीज मुझे बता देना। एंड आफ्टर दैट सुबिन को वही लेटर देता है एंड उसे कहता है कि आई एम रियली सॉरी क्योंकि ये लेटर मैं तुझे उस दिन नहीं दे पाया था। एंड जब हमारी सुबिन उसे ओपन करके देखती है तो उसमें हमारे सुबिन एंड जुनवू की फर्स्ट मीटिंग की फोटो होती है, मतलब स्केचिंग होती है जो कि जुनवू ने अपने हाथों से बनाई थी। जुनवू अपने घर जाता है एंड अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट की साफ सफाई चल रही है सो मैं कुछ दिनों तक तेरे साथ रहूंगी। सेम नाइट जब मिस्टर ओ अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है जिसे देखकर तो हमारे मिस्टर ओ भी शॉक्ड हो जाते हैं कि मुझ जैसे गरीब को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन दे सकता है। एंड द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ओ को उसी गिफ्ट के साथ मावियांग के मॉम के घर में देखते हैं एंड यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये गिफ्ट किसने दिया था मिस्टर ओ को, जिसके बाद मिस्टर ओ उन्हें उनका गिफ्ट वापस कर देते हैं। तो मावियांग की मॉम कहती है कि आप इतने इनोसेंट सच में हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि आपको लग रहा होगा बट मैं इनोसेंट बिल्कुल नहीं हूँ। एंड देन यहाँ पे मिस्टर ओ एंड मावियांग की मॉम की छोटी मोटी बहस हो जाती है। मावियांग की मॉम कहती है कि जब तक मेरा बेटा आपके क्लास में है सो प्लीज आप उसके खिलाफ कुछ भी मत करिए एंड उसे 100% स्कोर देते रहिए। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि बट आई थिंक ये सब तो गलत है ना, एंड उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं बट हमारी मावियांग की मॉम किसकी सुनने वाली थी। जिसके बाद हम अगेन मिस्टर ओ को बार में देखते हैं, बार में नहीं सॉरी रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो काफी सारा ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ पे किमजी भी आती है क्योंकि बेचारी हमारी किमजी फिर से किसी इंटरव्यू में फेल हो गई होती है। किमजी को देखते ही हमारे मिस्टर ओ अपना मुंह छिपाने लगते हैं बट एट लास्ट हमारी किमजी उन्हें देख ही लेती है एंड उन्हें पहचान भी जाती है। जिसके बाद दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, काफी मस्ती करते हैं एंड एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें एंड पेन भी शेयर करते हैं। एंड अब क्योंकि हमारे प्यारे से एंड नाजुक से मिस्टर ओ काफी सारा ड्रिंक करने के बाद घर जाने की हालत में बिल्कुल नहीं होते हैं तो किमजी उनकी हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते हैं जो कि अपने मॉम के हैंड में मटर की ड्राइंग बनाती है एंड अपने मॉम से कहती है कि मॉम आपको पता है क्या कि मेरे क्लास में एक लड़का है जो ऐसी ड्राइंग्स बनाता रहता है। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तो उसे आर्ट स्कूल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुनवू भी सुबिन के बारे में सोच रहा होता है एंड देन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या डैड आपके फर्स्ट लव थे। तो जुनवू कहता है कि तब तो मॉम आई थिंक कि हमारा फर्स्ट लव बहुत जल्दी एंड हो जाता है एंड वो तो कम्प्लीटली मीनिंगलेस होता है ना। तो उसकी मॉम कहती है कि पागल ऐसा तुझसे किसने कह दिया। के बाद उसकी मॉम लव के ऊपर मतलब फर्स्ट लव के ऊपर काफी सारा लेक्चर देती है एंड हमारा जुनवू अपने एंड सुबिन की काफी सारी बातें याद करता है। जुनवू की मॉम कहती है कि मैं तेरे डैड से तब मिली थी जब हम दोनों बहुत ही ज्यादा इमैच्योर थे सो हमने डिसाइड किया कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए बट मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट लव था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर ओ अपना बैग ढूंढ रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए तभी उन्हें याद आता है कि कल रात को तो मैंने अपना बैग उसी रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। एंड देन मिस्टर ओ वॉज लाइक हो गई बेइज्जती तेरी किमजी के सामने। वहीं दूसरी तरफ हम सुबिन एंड उसकी मॉम को देखते हैं। तो सुबिन की मॉम कहती है कि मैं तुझे स्कूल तो छोड़ देती बट अब मैं कैसे छोड़ू, मेरा हाथ तो देख ही रही है तू। तो सुबिन कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं ऐसे चली जाऊंगी एंड ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो सुबिन की मॉम कहती है कि तू कहना क्या चाहती है कि तुझे मेरे साथ स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। तो सुबिन कहती है कि नहीं मॉम मैं ये नहीं कह रही हूँ जो आप समझ रहे हो। आफ्टर दैट सुबिन अपने मॉम को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जुनवू की मॉम सुबिन की मॉम की हेल्प करने आती है तो सुबिन की मॉम के लिए काफी सारे डिशेस लाती है खुद से बनाकर। नेक्स्ट सीन में हम सुबिन एंड जुनवू को स्कूल में देखते हैं एंड आज भी उनके बीच की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। वहीं बेचारा हमारा पिलसांग सोच रहा होता है कि यार मैं जुनवू का क्या करूं मेरी गर्लफ्रेंड उसे पसंद करती है तो आप बताओ। आफ्टर दैट जुनवू को उसके बैग में एक वायर मिलती है जो कि उसे हर्ट करने ही वाली थी बट हमारा जुनवू बच जाता है। एंड देन हमारे जुनवू को पता चल जाता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि पिलसांग ने किया है सिर्फ और सिर्फ रोमी के लिए। बट हमारा पिलसांग जुनवू को पूरा दिन कुछ ज्यादा ही परेशान करता है तो एट लास्ट जुनवू उससे कह ही देता है कि
मुझे परेशान करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि तू कुछ ऐसा करके रो, मैं तुझे पसंद करने लगे, ना कि मुझे। ओके, पिलसांग कहता है कि गधे, सारा दिन तो वो तुझे ही देखती रहती है, तो मैं क्या करूं। एंड देन बेचारा रोने लगता है। एंड आफ्टर दैट कहता है कि जुनबू प्लीज तू दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेना। बट अब हमारा जुनबू सुबिन को छोड़कर कहाँ जाने वाला है। आई थिंक अगर ये बात पिलसांग पहले बोलता तो हमारा जुनबू इस पे सोचता भी, बट अब तो आई थिंक कुछ नहीं होने वाला। जिसे सुनकर हमारा जुनबू हंसने लगता है। तो पिलसांग कहता है कि क्या तुझे ये मजाक लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ओ को क्लास में देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर ओ सभी बच्चों को बताते हैं कि वो घड़ी आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि फाइनली हम लोग स्कूल ट्रिप पर जाने वाले हैं। जिसे सुनकर तो बच्चे मीन्स लड़कियां तो काफी ज्यादा खुश होती हैं। बट बॉयज खुश नहीं होते यार, स्पेशली हमारा पढ़ाकू मावी ओंग। पिलसांग कहता है कि सर आई हेट स्कूल। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि पागल, ये स्कूल नहीं है बल्कि स्कूल ट्रिप है, अब इसे तो हेट मत कर। एंड इस ट्रिप के दौरान हम सभी अपने घर से पूरे 2 दिन के लिए गायब रहेंगे एंड साथ में काफी इंजॉय करेंगे। आफ्टर दैट मिस्टर ओ जुनबू एंड मावी ओंग को कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर स्कूल ट्रिप का पूरा अरेंजमेंट कर लेना। एंड द नेक्स्ट सीन में हम जुनबू एंड मावी ओंग को क्लास के सामने देखते हैं। मावी ओंग कहता है कि हमारे पेपर काफी क्लोज है, सो आई थिंक हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं जुनबू कहता है कि हम सभी कितने दिनों से किसी ट्रिप पर नहीं गए हैं एंड ना ही साथ में कोई समय बिताया है, सो आई थिंक हमें इस ट्रिप पर जाना चाहिए ताकि ये ट्रिप हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो मावी ओंग कहता है कि जुनबू तुझे पता तो है ना कि हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। तो हमारा जुनबू काफी मुस्कुराते हुए कहता है कि जिन्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है उन्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, एंड जो रियली में इंजॉय करना चाहते हैं वो हमारी ट्रिप में आ सकते हैं। एंड हमारे जुनबू के इस बात से सारे बच्चे, मतलब सारे नहीं कह सकते बट मोस्टली बच्चे एग्री करते हैं। तो मावी ओंग कहता है कि जो ट्रिप में जाना चाहता है वह क्लास में रुक जाए एंड जो नहीं जाना चाहता वो मेरे साथ क्लास से बाहर चले। जिसके बाद आधे बच्चे मावी ओंग के साथ क्लास के बाहर जाने लगते हैं। एंड हमारी सुबिन भी बस जाने ही वाली थी कि तभी जुनबू कहता है कि सुबिन रुकने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब भाई ने क्या दिमाग चलाया है, जबरदस्ती रुकवा लिया सुबिन को। एंड एट लास्ट हमारी सुबिन को तो रुकना ही पड़ता है। उसकी फ्रेंड भी कहती है कि रुक जा यार, भाव मत खा इतना। एंड ये सब सुनकर मावी ओंग वाज लाइक बड़े तेज हो रहे हो। पिलसांग का फ्रेंड कहता है कि रोमी तू नहीं जा रही है, मतलब तू रुक रही है जुनबू के साथ। तो रोमी कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिसे देखकर हमारे पिलसांग भी वापस आ जाता है। हमारी सोया भी कीते को रोकने की कोशिश करती है बट हमारा कीते सोया की बात बिल्कुल नहीं सुनता एंड मावी ओंग के पीछे चला जाता है। मतलब गर्लफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं है बेचारे हमारे कीते की आंखों में। जब हमारा कीते क्लास से जा ही रहा होता है तो हमारी सोया पूरे क्लास के सामने एट लास्ट बोली देती है कि कीते प्लीज मत जाओ। एंड सभी हमारे सोया एंड कीते को देखने लगते हैं। ओजे भी कहता है कि सही बात है कीते, जब सोया कह रही है तो तू प्लीज मत जाना। जुनबू भी कहता है कि तू तो हमारा स्टूडेंट लाइफ लीडर है ना, सो प्लीज मत जा। बट हमारा कीते उन सभी को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। आफ्टर दैट जुनबू एंड सभी लोग मिलकर ट्रिप के बारे में डिस्कस करते हैं। छानिल कहती है कि क्यों ना हम सभी लोग ट्रिप में हानबुक पहने, जो कि कोरिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो दाहिन कहती है कि पागल, ये ट्रिप हमारे लिए है ना कि हमारी दादी लोग के लिए। तो जुनबू कहता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारे पेरेंट्स की कुछ यादें जुड़ी हों। मतलब हम सभी अपने पेरेंट्स का वो ड्रेस पहन के आए जिसे हमारे पेरेंट्स ने अपने फर्स्ट डेट में पहनी थी। एंड जुनबू का ये आइडिया सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंड अब आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जुनबू इस ड्रामा का हीरो जो है। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी सुबिन भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है एंड उसे देखकर हमारा जुनबू भी। मिस्टर ओ जुनबू के स्टोर जाते हैं किमची से अपना बैग वापस लेने। उन्हें लगता है कि स्टोर में किमची होगी बट वो जुनबू को देखने के बाद बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब बेचारे का दिल टूट गया, कहाँ किमची से मिलने आए थे एंड कहाँ उनकी मुलाकात हमारे जुनबू से हो गई। मिस्टर ओ कहते हैं कि जुनबू तू आज अपने काम पे इतना पहले कैसे आ गया। तो जुनबू कहता है कि एक्चुअली हमारी किमची को थोड़ा काम था सो उसकी शिफ्ट आज मैं कर रहा हूँ। बट वैसे सर आप यहाँ पे मुझसे क्या कुछ कहने आए हैं। तो मिस्टर ओ कहते हैं थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं कि हाँ। एंड देन कहते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स का ड्रेस पहनने वाला आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो जुनबू कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे यहाँ पे ये कहने आए होंगे। तो मिस्टर ओ कहते हैं कि मैं तो यहाँ तुझे हक करने आया हूँ, तो इतना प्यारा जो है। मावी ओंग जो अपनी पढ़ाई करके वापस आता है तो रास्ते में सुबिन को देखता है जो कि उसी का वेट कर रही होती है। आफ्टर दैट सुबिन मावी ओंग को सबके साथ ट्रिप में जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। तो मावी ओंग कहता है कि हाँ मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ बट उसके लिए तुझे मेरी एक विश को पूरी करनी होगी। एंड वो विश थी कि सुबिन मावी ओंग के साथ गेम खेले जो कि वो दोनों साथ में बैठकर बचपन में खेला करते थे। सुबिन कहती है कि तुझे पता है ना कि जब भी हम दोनों यहाँ पे छिपकर खेला करते थे एंड आफ्टर दैट जब भी मेरी मॉम को पता चलता था तो वो तो मुझे मार ही डालती थी। आफ्टर दैट दोनों साथ में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं एंड साथ में ही घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनबू जब अपने जॉब से घर जा रहा होता है तो रास्ते में सुबिन के बारे में सोचता है एंड देन कहता है कि आज मैं सुबिन से पूछ ही रहूंगा कि मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। वहीं दूसरी तरफ सुबिन मावी से कहती है कि मावी ओंग तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, बट फिर भी तूने मुझे मैसेज करके बताया कि जुनबू ने तुझसे क्या कहा था, जबकि तुझे पता था कि ये बात जानकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो मावी ओंग कहता है कि आई एम रियली सॉरी बट मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए परेशान था। सुबिन कहती है कि मावी ओंग देख, अब क्योंकि मैंने तेरी विश कंप्लीट कर दी है सो अब तुझे भी हमारे साथ ट्रिप में आना है।
मावी योंग सुबिन को उसके घर छोड़ता है एंड एट लास्ट यहाँ पे मावी योंग उसे बताने ही वाला था कि वो टेस्ट एक्चुअली मैंने जानबूझकर किया था ताकि तो जुनबू को छोड़कर वहाँ से वापस आ जाए एंड ऐसा जुनबू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। बट इससे पहले कि हमारा मावी योंग कुछ भी बोल पाता तभी वहाँ पे जुनबू आ जाता है क्योंकि आज उसने कहा था ना कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तो सुबिन से पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर मैंने उसके साथ क्या गलत किया है कि वो मुझे आजकल ना भाव दे रही है एंड ना ही अच्छा रिस्पांस, मतलब एक स्माइल तक नहीं करती मुझे देख के, आजकल ऐसे देखती है मुझे मतलब जैसे मैंने क्या कर दिया हो उसके साथ। जुनबू कहता है कि सुबिन काफी ज्यादा सोचने के बाद मुझे लग रहा है कि तुझे अचानक से उस दिन अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था बल्कि कुछ तो हुआ है तेरे साथ, सो प्लीज तू मुझे बता दे कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या है या फिर मैंने क्या कर दिया तेरे साथ। तो सुबिन कहती है कि मैं तुझे बाद में बताऊंगी एंड वहां से जाने लगती है। सो हमारा जुनबू सुबिन को रोकने की कोशिश करता है, वही हमारा मावी योंग जुनबू को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर आज जुनबू रुक गया ना तो फिर तो मैं तो गया एंड फिर सुबिन तो मेरी गर्लफ्रेंड तो क्या मेरी फ्रेंड भी ना रहे। एंड एट लास्ट जुनबू मावी योंग से कहता है कि आई थिंक मावी योंग तुझे इस मैटर से दूर रहना चाहिए। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी सुबिन अपना मोबाइल फोन ओपन करती है एंड वह सारा मैसेज जुनबू को दिखा देती है जिसे देखकर हमारा जुनबू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है एंड सुबिन से कहता है कि तुमने इस पे इतना जल्दी भरोसा कर लिया, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब तुम्हें मावी योंग के मैसेज पे मुझसे ज्यादा भरोसा है। एंड ये सब बोलकर जुनबू वहाँ से चला जाता है एंड अब बेचारी हमारी फीमेल लीड यानी कि सुबिन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है एंड सोचती है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मावी योंग कहता है कि सुबिन आई एम रियली सॉरी बट ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया है, तो थोड़ा रुक मैं सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।